देखो आप कारस देव अवतार की कथा, जो देव नारायण के अवतारी हैं, जिनको आल्हा आप तक हम पहुंचा रहे सुना रहे, सुनो आप। सुमरण करके जगदम्बा को शिव शंकर को ध्यान लगाए, कारस देव जन्म की गाथा देश राज रहे तो मैं सुनाए। देव नारायण के अवतारी थे महिमा जिनकी कही न जाए, लाज राखियो सब भक्तन की जो भी आवे द्वार तुम्हारे, लाज राखियो सब भक्तन की जो भी आवे द्वार तुम्हारा। अरे पिता थे जिनके राजू गुर्जर, चाचा गोरे गुर्जर कहलाए, माता जिनकी सोड़ा बाई जिनकी गोद में कारस आए, बहना जिनकी ऐला दी थी सुंदर रूप कहो ना जाए, चाचा गोरे के सुरपाल हैं बहन का सुंदर नाम बताए, चाचा गोरे के सुरपाल हैं बहन का सुंदर नाम बताए। तो देखो आप ये चंदीले वंश के थे और ये कहाँ के थे सुने आप। राजस्थान जिला अलवर में गढ़राज और राज कहलाए, राजा गढ़वे डार बांका नाम सुनत दुश्मन थर्राए, गढ़राज और के रहवे वारे राजू गोरे गुर्जर दो भाई, वंश चंदीले जिनके कहिए भैया तुम खो दे तो बताए, वंश चंदीले जिनके कहिए भैया तुम खा दे तो बता। गोरे की दो संताने मैसूर पाल और सुंदर बाई, राजू की संतान नहीं कोई दिन दिन चिंता रही सताई, करी तपस्या शंकर जी की शिव की आसन दई डगाई, एक बेटी को जन्म हुआ तब सोड़ा फूली नहीं समाई, एक बेटी को जन्म हुआ तब सोड़ा फूली नहीं समाई। देखो आप राजू गुर्जर ने भगवान शंकर की तपस्या करी और ऐला जी को जन्म हो। आगे सुनो आप। जिसका नाम रखा ऐला जी रूपवान थी तेज अपार, पलना झूली अंगना खेली बहुत जल्द हो गई होशियार, माँ सोड़ा को काम करावे माता करवे लाड़ दुलार, धर के गगरी मोड़ पे पानी लेवे जाए कुआ की पार, घर के गगरी मोड़ पे पानी लेवे जाए कुआ की पार। देखो आप ऐला जी रूपवान ताकतवर और बहुत सुंदर थी। क्या भो एक दिन की बात है, एक दिन राजा गड़वे ढार को हाथी मतल गओ जब भाई, पीलवान और सिपाहियों की बाने कर डारी कुछ लाई, कोई समय ऐला जी सिर पे गगरी धरे कुआ से आई, धरो पाओ जंजीर के ऊपर हाथी तुरत खड़ो हो जाए, धरो पाओ जंजीर के ऊपर हाथी तुरत खड़ो हो जाए। जब देखो आप राजा को हाथी मचल गओ, ऐला जी पानी भर के चली आ रही थी, हाथी के पाँव में जो जंजीर बंधी उसको पाँव धरो, देख अचंभित भय सिपाही कहे हाल राजा से जाए, इतनी ताकतवर लड़की है अपनी रानी लो बनाए, सुबह हो तो राजू गुर्जर को राज दरबार में लो बुलाए, ऐला दी को हम ब्याहेंगे राजा ने दो हुक्म सुनाए,
एलादी को हम ब्याहेंगे, राजा ने दो हुक्म सुना। चुपचाप राजू घर आए, बात बताई कुटुंब परिवार, राजा को करे सामना, सबने कर दई है इनकार, कैसे बचवे इज्जत अपनी, तब राजू ने करे विचार। रात ही रात उते से भागे, पहुँचे जिला गुहाना यार, रात ही रात उते से भागे, पहुँचे जिला गुहाना यार। देखो आप, राजू गुर्जर और गोरे गुर्जर अपनी इज्जत बचावे के लाजे उते से रात ही रात भागे और गुहाना जिला में पहुँचे। गाड़ी बेल हाकर तोई भैया ग्राम झांझ में पहुँचे जाए, माना लोहार जहाँ को राजा अपने राज में लिए बसाए। एक दिन एलादी ने सोची, मोरे कारण भगे पिता हमाए, गड़वे डार से बदला लेवे शिव की करी तपस्या जाए, गड़वे ढार से बदला लेवे शिव की करी तपस्या जा। बारह साल कठिन तप की ना एक जलधारा निकली आए, शिव ने हो प्रसन्न बर दीनो, होगा पराक्रमी भाई तुम्हारे, ऐसो भाई तुम्हारो हुई है, चीखों को हरा ना पाए, एला दीखों फूल कमल को तब शिव जी ने दो गहाए, एला दीखों फूल कमल को तब शिव जी ने दो गहाए। भगवान शिव ने वरदान दो और एलादी को एक कमल का फूल दिया, कहा ये इसी जलधारा में छोड़ दो। तो देखो आपका भाव, एलादी ने फूल कमल को जलधारा में छोड़ो जाए, रहे हमेशा निर्मल जल जहाँ सो अब सीते कुंड कहाय, एलादी की माता सोड़ा शिव पूजन को वहां पे आए, सीते कुंड में फूल देख कर माता फूल टोरने जाए, सीते कुंड में फूल देख कर माता फूल टोरने जाए। एला जी की माता सोड़ा जी पूजन करवे आई, से पूजन करवे आई और सीते कुंड में जो फूल देखे वो टोरवे गई, जैसे ही गई कमल फूल हाथन में आयो, बालक रूप भयो तत्काल, दिव्य रूप बालक को देखे माता सोड़ा रही हर साय, खुशियां छाई गई हैं घर में राजू फूले नहीं समाए, भादो शुक्ल चौथ रात्रि को कारस को अवतार बताए, भादो शुक्ल चौथ रात्रि को कारस को अवतार बताए। तो देखो आप, तो उसी कमल के फूल से कारस देव प्रकट हुए, अवतार लिया। सुनो आप, भोर होत सब जुरो मोहल्ला द्वारे बाजन लगे बधाए, ढपला ढोल बजे रम तोला नर नारी सब नाचे गाए, अनन बधाए हो रहे घर में माँ सोड़ा फूली न समाए, गांव झांझ में खुशियां छाई महिमा मुख से गाई न जाए, गांव झांझ में खुशियां छाई महिमा मुख से गाई न जाए। कथा सुनाई है जन मन की कारस देव कन्हैया की, जय हो जय हो सूरपाल और एलादी के भैया की,
जिनने करी धर्म की रक्षा, सेवा की गौ मैया की, लाज राखियो कारस देवा, देश राज नरवरिया की, लाज राखियो कारस देवा, देश राज नरवरिया की।